हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आपका हमारे यूट्यूब चैनल जानकारी कुछ हटके पर एक बार फिर से स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं 79 ई ऑप्शन जो है, क्या उसका ऑफिशियल रिजल्ट जारी कर दिया गया है प्रसार भारती की तरफ से। 79 ई ऑप्शन जो है कैंसिल नहीं हुई है या कैंसिल हो गई है, और कौन से चैनल ने स्लॉट बैंड किया है। तो पूरी इन्फॉर्मेशन देने जा रहे हैं इस वीडियो में। आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा, इसकी बिल्कुल भी मत करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल पर अगर पहली बार आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो आप लोगों को पता ही होगा कि 79 और 18 ई ऑप्शन जो है 24 जुलाई को हुई थी, लेकिन अभी तक इसका ऑफिशियल रिजल्ट जारी नहीं किया गया प्रसार भारती की तरफ से। तो डीडी फ्री डिश यूजर्स जो हैं बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहे हैं कि रिजल्ट कब आएगा और कौन से चैनल हमें डीडी फ्री डिश पर 1 अगस्त से देखने को मिलेंगे। तो आप लोगों को हम बताएं कि 79 ऑप्शन जो है ये तो कैंसिल हो गई है, इसका कोई भी रिजल्ट जारी नहीं किया गया क्योंकि ये कैंसिल हो गई है। स्लॉट की कीमत बहुत ज़्यादा होने के कारण इसीलिए इसको जो है कैंसिल कर दिया गया, किसी भी चैनल ने पार्टिसिपेट नहीं किया। और 18 ई ऑप्शन की बात करें, 18 ई ऑप्शन का अभी तक कोई भी ऑफिशियल रिजल्ट जारी नहीं किया गया है, कौन से चैनल ने स्लॉट बैन किया है, कौन से चैनल ने नहीं, ये अभी कुछ भी कन्फर्म नहीं है। तो प्रसार भारती ने अभी 2 दिन हो गए हैं कोई भी रिजल्ट जारी नहीं किया है, ऐसा क्यों कर रहा है ये नहीं पता है। तो क्या 79 ई ऑप्शन की तरह 18 ई ऑप्शन भी हो गई है कैंसिल, ये अभी कंफर्म नहीं हुआ है। जब प्रसार भारती की तरफ से कोई अपडेट मिलेगी तो हम आपको इन्फॉर्मेशन ज़रूर देंगे। तो यही मुझे अपडेट मिली थी। आप लोगों को हमारा वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल पर अगर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो में अगली न्यूज़ लेकर, अगली अपडेट लेकर। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।